हेलो दोस्तों, गुल्लू दादा क्या ही स्कैम करता है हेला के साथ बोर्ड के लिए यदि लॉटरी में। हेला जी कैसे आप? ठीक है ठीक है, आप कैसे हो? बढ़िया। हेला जी आओ, जरा इधर आओ, बात करनी थी आपसे यार। एक पर्सनल है, आ जाओ आ जाओ। फूल देते जाना वो। हाँ वो मैं ले लूंगा। कैसे हो हेला जी? ठीक हूँ, आप कैसे हो? बढ़िया। कैसा चल रहा है शहर में? मतलब कोई तकलीफ है आपको? कुछ भी कोई दे रहा है नहीं दे रहा है? ये लीजिए, आप पहले ये लीजिए। क्या बात है, शुक्रिया। हमेशा हम इनके दिल के करीब रखेंगे इसको। शहर में सब तो सही चल रहा है, बट आज मैं हम वोट करने गई थी। मैं थर्ड नंबर पे थी वोट करने के लिए। थर्ड नंबर तो हमारी पार्टी है, एजेपी। नहीं नहीं नहीं, मतलब थर्ड लाइन में थर्ड नंबर पे थी। अच्छा, हो गया वोट वोट आपका? नहीं, जिन मुझे बुला के मना किया है। किसने मना किया है? कि जिन जिन ने कहना कि आई मीन मैं वो चीज है कि वो चाहता है कि मैं आपको वोट दूं। क्या बात है हेला जी। देखो यारो हेला जी, अभी सोचो मैं मेयर बना भी नहीं हूँ, फिर भी मैं आप लोगों की कितनी देखभाल करने आ रहा हूँ। अभी एक कल लड़की ने सुसाइड कर ली थी, उसका पैर फिसल गया था, उसको कितना बड़ा ऑपरेशन हुआ, सब हमने हमने ही करवाया सब कुछ। मतलब मैं आप जी जी पैर फिसल गया था। बचाया क्यों? सुसाइड नहीं था, पैर फिसल गया था, लोगों ने गलत ट्वीट कर दिया था, तो हम पहुंचे वहां पर सब। मैं जी जी तो उधर मदद करी, तो डॉक्टर भी सल्यूट करे हमें, दे आर वेरी हैप्पी विद मी। देखो मैं यहां पर प्रचार कुछ भी नहीं कर रहा हूं, मैं खाली इतना बोल रहा हूं, शहर आप लोग के हाथ में है, कैसे चलाना है वो हम चलाएंगे, बट आपकी मदद से, आपके दिमाग से, आपके तरीके से। ठीक है, तो वही है हेला जी, सोच के ही जो करना आप करना। ठीक है, आपका प्यार रहेगा तो हमारा भी प्यार सेम आपके लिए रहेगा। क्या हो रहा है? कुछ जॉब वॉब कुछ कोई नहीं दे रही नहीं है। वही तो बहुत देते तुम्हें, बहुत अनफेयर हुआ हमारे साथ। वही तो मैं देखने आया हूँ। जी जी नहीं है, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर का टेस्ट ही, बट लड़की देख के रिजेक्ट मार दिया। ऐसा कुछ जॉब वॉब देते ना, वुमेन एम्पावरमेंट थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश कोई नहीं करता, कोई जॉब नहीं देता। अभी हम खड़े नहीं हुए ना, अभी खड़े होंगे तो सब कुछ होगा हेला जी, सब कुछ होगा। टेंशन मत लो हेला जी, आपको मेरे पे विश्वास है नहीं है वो बता दें आप। अरे विश्वास तो बहुत है, इतने टाइम से आप मुझे देख रहे हो, हमारा मिलना जुलना हो रहा है, हम हाय हेलो करते हैं, वो तो आप अपने उन लोगों के साथ रहते हो, तो मेरे को ऐसा लगता है कि आप उनके सामने बात करूंगा तो उनको अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं अकेले में बात करता हूँ मैं। अरे तो अपोजिशन पार्टी ने ये वादा किया था ना कि मुझे कहीं पे जॉब पे पक्का रखवा देगी। वादे किए थे तो लेकिन बहुत वादे किए थे हेला जी, वादा किया था हेला जी बस, लेकिन हुआ नहीं है अभी तक, समझ रहे हो? अभी भी आपके पास टाइम है जी। तो हेला जी वही है, कल से वोटिंग है, अब आप देख लेना वो हेला जी, है ना? अभी भी थोड़ी देर पहले वो आके बात की थी, बोले कि आपको जॉब चाहिए, आधे में कल इंटरव्यू होगा, आप आ जाना, जॉब दे देंगे। ऐसे से वादे दे रहे तो थोड़ा उस तरह हेला जी, मैं सोच रहा हूँ यार एक ब्यूटी पार्लर खोलो यार। वो ब्यूटी पार्लर? ब्यूटी पार्लर में हम क्या करें, समझ रहे ना, हमारा उस लाइन में ये नहीं है। नहीं आप समझे नहीं, ब्यूटी पार्लर समझ रहे हो आप? मतलब आप, मतलब जरूरी नहीं ना जहाँ लड़के बाल कटाते हैं वहीं जाओ, आपके लिए, आप लोगों के लिए, महिलाओं के लिए एक अलग से होगा वो, समझ रहे हो आप? जी वहाँ पर हेयर क्वारंटाइन, उधर मतलब पूरा सा यू नो ब्लो ड्राई वगैरह सब कुछ प्रोफेशनल तरीके से, अच्छे अच्छे ब्रांड कलर लाएंगे, अच्छे अच्छे शैम्पू, सल्फेट फ्री, पैराबेन फ्री, ऐसे ऐसे शैम्पू हम लोग वो सब करवाऊंगा, ताकि आपकी खूबसूरती वो सब जाए ना। फिर मैं सोच रहा हूँ सफोरा लाओ, इधर हुदा ब्यूटी लाओ, है ना, ताकि मेकअप वेकअप की कमियाँ ना हो आप लोगों को। पूरा एक से एक पाउडर लाऊंगा लैक्मे का, मेकअप से मेबेलिन तभी ले पाएंगे ना जब पैसे हो, जेब में पैसे ही नहीं है, वही तो बात है। जॉब्स आएंगी ज्यादा तो आप कमा भी लोगे अपने आप। जब मैं मेयर बन जाऊंगा कल, अगर मैं आपको कॉल करता हूँ उठ के, आप क्या कहोगी पता है? मैं पूछूंगा क्या कर रहे हो हेला जी, आप बोले काम कर रही हूँ, जॉब कर रही हूँ, ये मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ, इसलिए मेयर बन रहा हूँ मैं। समझ रही जी, बस आपका तो वो दिला रहे ना, वही तो बात थी, डिफरेंस दिलाए नहीं है, दिलाए नहीं है अभी तक हेला जी, क्या पता आपका खुद का कोई बिजनेस हो जाए, ये सोचो, सोचने वाली बात है।
नहीं दी, इतना इतना झोल ढंग से नहीं होता ना, वो वरना मैं तो प्रपोजल दे देते, मुझे बस घंटों भर का एक छोटा सा जॉब चाहिए, बस छोटा सा। बहुत जॉब आएंगे एला जी, आप सोच के भी परेशान हो जाओगे, आप बोलोगे मैं कहाँ काम करूँ, मैं तो ब्यूटी पार्लर दे रहा हूँ तो वो भी तो नहीं चाहिए ना आपको एला जी। वो नहीं चाहिए, मैं थोड़ी ना लोगों के बाल उखाड़ू नहीं ना, तो मैकेनिक बना दूंगा आपको। आईडिया अच्छा है, बस खत्म हो गया, हाथ मिलाए। बट मेरी नजर ना आदिम पे है। मैं क्या है? आदिम पे है। आपको आदिम में काम करना है? हाँ। एक सेकंड। बताएं गुल्लू सेठ। नमा। आवाज आ रही है? हेलो। आ रही है, आ रही है। नमस्कार रॉकेट जी, कैसे हैं आप? बढ़िया है, बढ़िया है। रॉकेट जी, क्या ये आरडीएम की ओपनिंग हो चुकी है ऑलरेडी? आरडीएम की ओपनिंग हो चुकी है, लेकिन अभी एम्प्लॉयज़ को जमा कर रहे हैं हम, तो थोड़ा वक्त है। एम्प्लॉयज़ एक आएंगी हेला जी करके इंटरव्यू देने, उनको हमारे तरफ से प्रायोरिटी दे देना, ठीक है रॉकेट जी? डायरेक्ट सिलेक्ट कर देंगे उनको। जी जी, मतलब सिलेक्ट पहले आप उनसे बात कर लेना, उनको मतलब क्या बनना है, क्या क्या उनको असिस्टेंट है बनना है वहाँ पर, या उनको एक मतलब सेल्स में करना है, जो भी करना है उनको प्रायोरिटी दे देना रॉकेट जी, ठीक है? ठीक है, गुल्लू सेठ की तरफ से आ रही है तो प्रायोरिटी मिलेगी। जी रॉकेट जी, मैं आपका सम्मान हमेशा रखूँगा और आपसे जो वादे हैं वो हम कभी भूलेंगे नहीं रॉकेट जी। शुक्रिया शुक्रिया, बस आप ऐसे ही काम करते रहे, आपका काम हम करते रहेंगे। जी रॉकेट जी, और कभी भी आपको मेरी कोई भी मतलब मेयर बनने के बाद अगर मैं बना तो आपको कोई भी तकलीफ हो रॉकेट जी, आप मुझे बताएं, ठीक है? कोई भी गाड़ी इंपोर्ट करनी है हम ज़रूर उससे कोशिश करेंगे रॉकेट जी। और मैं ये भी कह रहा हूँ कि हमारे जो सेल्स जो भी आएंगे उनकी सैलरी ज़रा 1.5x कर देना, ठीक है? टू कर देंगे, 2x कर देंगे। ठीक है, चले रॉकेट जी मैं आता हूँ, मैं चलता हूँ, ठीक है रॉकेट जी? सोने जा रहे हो आप अभी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, सो जाओ, मैं चलता हूँ, बाय बाय। हाँ और बताएं हेला जी। अरे अपने तो डायरेक्ट बात कर लिया। हेला जी आप मुझे हल्के में ना लें, बहुत भारी चीज हूँ मैं। तूफान भाई कैसे हो, मेंबरशिप लव यू भाई। यस हेला जी, ठीक है, तो आप ख्याल रखो हेला जी, आप सोच लेना, ठीक है? देखो सोचना क्या है, कल जाके वोट तो देनी है आपकी। गुड गर्ल हेला जी, गुड गर्ल, गुड गर्ल, यू आर अ गुड गर्ल। अब तो हमारे अपने होश में क्या है जी, और मैं यही कह रहा हूँ कि उन तक ये बात पहुँचनी चाहिए, क्योंकि अगर उनको पता चला कि मैं आपके सामने बात कर रहा था तो शायद से दिक्कत हो सकती है, बस समझ रहे हो आप? वो मेरी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, मैं उनसे अकेले में बात किया है, वो आपको नहीं बताएंगे कि मैंने बात की थी आपसे, ठीक है? तो वो मत करना वरना खराब हो जाएगा मामला। बाकी आपकी पक्की हो गई आरडीएम में जॉब, ठीक है? थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम हेला जी, हम हैं तो आप हैं, आप हैं तो हम हैं। मैं भी सारे दोस्तों को लेके आपके लिए वोट करने जाऊंगी जी, बस बस ये काम नहीं बताना हमने क्या किया, वरना सबको करना पड़ेगा, वरना फिर आपका जो वो है ना, आपका जो कुर्सी है वो नीचे आ जाएगी, समझ रहे हो? हाई लेवल पे आपकी प्रायोरिटी मेरे लिए किया नहीं किया, तो मैंने तो कुछ किया ही नहीं हेला जी। वही तो बस, और आपने मेरे लिए वोट किया, मेरे को तो वो भी नहीं पता, तो आपने जिस पे भरोसा था उसको दिया हेला जी। वही तो, इसी बात पे हेला जी हाथ मिलाए और खाना पीना दे दे बस मुझे थोड़ा सा, मैं निकलता हूँ। मैंने बाट बहुत बाट दिया सुबह से खाना पीना हेला जी लोगों में, मैं अपना ख्याल ही नहीं रख पा रहा हूँ। अरे कोई नहीं, हम है ना, कोई बात नहीं जी।